26 जनवरी के जो सबसे बड़े हीरो हैं, परमवीर चक्र विजेता, आज आपके बीच में उपस्थित हैं। आज आप उनका सम्मान करने जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को सम्मान करने का हम दुस्साहस भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे जूरी चेयरमैन जस्टिस केजे बालकृष्णन ज्ञानसुधा मिश्रा हो तो हमने कर लिया। पढ़ना हो साहित्य अगर तो पढ़ो ग्रंथ प्राचीन, पढ़ना हो विज्ञान अगर तो पोथी पढ़ो नवीन। मैं नंदन झा जी को बहुत सारी बधाई और बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह के अवार्ड फंक्शंस की जो समय समय पर वो करते हैं, चैंपियंस ऑफ चेंज, इंडियन अचीवर्स अवार्ड, वो उसके माध्यम से हमें उन सब का सम्मान करके अपने आप को हम गौरव प्रदान कर रहे हैं। दिस इज ओनली ए स्मॉल टोकन ऑफ इंसेंटिव, ए मोटिवेशन फॉर यू टू डू बेटर बेटर एंड बेटर। You can do things very good contribution to the human society. परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ऑनरेरी कैप्टन, महज 19 वर्ष की किशोर आयु में आप वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। करगिल युद्ध में जब देश तन मन धन से सेना के साथ खड़ा था, आप उस समय सेना के बड़े शूरवीर बनकर उभरे। आपने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया। युद्ध हौसलों से लड़े जाते हैं और जिस देश की सेना में आप जैसे जांबाज हो उस देश की जीत सुनिश्चित है। समूचे देश के साथ यह हमारा भी सौभाग्य है कि आपको इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इंडियन अचीवमेंट अवार्ड के लिए सभी पदाधिकारी और जो इसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो साथी लगे हुए हैं, दोस्त लगे हुए, नौजवान लगे हुए हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अक्सर ये कहा गया है कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पायरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में अड़चन आए, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा।